शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो वीडियो नंबर थर्टी फोर यानी कि डी नंबर थर्टी फोर आप मुझे बताएं कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपके हिसाब से करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट में कहती है ये क्वेश्चन किस रिगार्डिंग है पहले वो समझे ये जो रीजन है अलास्का के पास कैनेडा के पास नॉर्दर्न यूरोप के पास कंसिस्टेंटली यहाँ पे काफी ज्यादा हाई रेंज है टाइड्स की कि टाइड्स बहुत आते हैं अलास्का कैनेडा नॉर्थ यूरोप के अंदर आखिर कारण क्या है क्या लैटिट्यूड का इफेक्ट है या पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का फर्क है दोनों में से सही स्टेटमेंट आपके हिसाब से कौन सी हो सकती है ए बी सी आर डी जो आंसर लगता है सही वो मुझे बताएं पंद्रह सेकेंड आपको मिलते हैं हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए देखो जितना हो सके लाइव क्विज है तो लाइव क्विज में उतना पार्टिसिपेट कीजिए उतने ज्यादा आंसर आप लिखिए यहाँ पे तो आंसर यहाँ देखो यार लैटिट्यूड का ऐसा लगता है हमको कि ये हाई लैटिट्यूड है बहुत ज्यादा टाइड आते हैं काफी हाई रेंज है टाइड्स की लेकिन उसका रीजन है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर के अंदर कॉन्टिनेंट्स की पोजिशन पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन ये एक मेन कारण है जिस तरह से अलास्का कैनेडा नॉर्दर्न यूरोप ये जो जिस तरह से आपस में प्लेस्ड है ना इसकी इनकी जोग्रफ़ी की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कुछ ऐसे पॉइंट्स बनते हैं इनको हम एम्फिड्रोमिक पॉइंट्स कहते हैं और एम्फीड्रोन एम्फीड्रोमिक पॉइंट्स होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज के टाइड्स की रेंज होती है हाई टाइड बहुत हाई लो टाइड बहुत ज़्यादा लो तो

लैंड और ओशन का कभी भी फिक्स नहीं होता लैंड और ओशन का जो रेशियो है वो पास्ट में भी बदला है भविष्य में बदला जाएगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो हैज टू बी बी बिना लैटिट्यूड के रीजन है इन कॉन्टिनेंट्स का बहुत ज्यादा पास में प्लेस होना नंबर दो ये सवाल भी ओशियनोग्राफी का है क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन से कौन से फैक्टर हैं जो टाइड्स की फॉर्मेशन पे असर डाल सकते हैं अलाइनमेंट ऑफ अर्थ सन मून

मैं पूछूं कि टाइड किस वजह से आते हैं अगर कोई कॉज पूछे टाइड्स का उसको हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं ज्वार का मतलब जब वो हाई टाइड होता है और भाटा मतलब जब वो लो टाइड होता है तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ये आधा सही है मून भी है सन भी है भाई ये फर्क है मून की वजह से जो टू थर्ड इफेक्ट है वो मून का है सन का क्योंकि सन दूर है अर्थ से काफी ज्यादा दूर है तो वन थर्ड असर सन का है लेकिन टू थर्ड मून का है लेकिन आप कंप्लीटली सन को इग्नोर नहीं कर सकते बहुत फर्क पड़ता है डिस्टेंस क्या है सन अर्थ और मून के बीच में उनका अलाइनमेंट कैसा है देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ ये सन है यहाँ पे बीच में है मून और ये है अर्थ अगर तीनों सेम एक ही पोजीशन में है इस पोजीशन को कहते हैं सिजगी पोजीशन जब तीनों एक साथ होते हैं तो सिजगी पोजीशन के अंदर आप हमेशा देखोगे हाई टाइड और ज्यादा हाई हो जाता है लो और ज्यादा लो हो जाता है उसका कारण है क्योंकि इनका एक लाइन में होने की वजह से दे विल क्रिएट द स्प्रिंग टाइड्स इसी तरह से इनकी पोजीशन की मैं बात करूं कभी कभार ये भी होता है कि ये सन है यहाँ पे अर्थ है और मून जो है क्वाडरेचर पोजीशन में है ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है सही ऐसे चक्कर काट रहा है ना और अर्थ सन के चक्कर काट रही है तो इस पोजिशन को कहते हैं क्वाडरेचर अब जब जब क्वाड्रेचर बनेगा क्वाड्रेचर बनने की वजह से जो टाइड्स आते हैं है, तो है, 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 जितनी ज्यादा है, फनल शेप होगी उतना ही हाई टाइड आने के चांसेस होंगे है ना पानी तो उतना ही अंदर घुसेगा ऊपर ज्यादा राइज भी करेगा तो आंसर इस केस में डी होगा एब्सोल्युटली ये चारों इसके कारण है अगला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है ध्यान से आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री कौन कौन से मेजर फैक्टर है जो रेड टाइड इवेंट्स को करते हैं इन्फ्लुएंस अगर आपको रेड टाइड इवेंट्स के बारे में पता ही नहीं है तो फिर ये आंसर आप नहीं कर सकते तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ रेड टाइड इवेंट्स को दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम जो जो शायद थोड़ा आसान है उसे हम कह सकते हैं हार्मुल्लू ये शायद आपने मे भी पढ़ा हो अब एच ए जी एच ए बी एस क्या है हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स एलगी पता है ना एल्गल ब्लूम पता है ना जब बहुत ज्यादा यूट्रोफिकेशन हो जाता है बहुत ज्यादा एलगी फैल जाती है उसको ही रेड टाइड इवेंट कह सकते हैं इसका एक्चुअली में टाइड से कोई मतलब नहीं है। तो क्या कारण है कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रेड टाइड इवेंट को लो सेलिनिटी कोल्ड ओशन सरफेस टेम्परेचर हाई न्यूट्रिय या स्ट्रॉमी वॉटर्स क्या कारण है रेड टाइड इवेंट के होने का तो देखो भाई ये वाला ऑप्शन आप निकाल दो कोल्ड ओशन करंट नहीं वॉम वॉर्म ओशन करंट चाहिए तो दो आंसर सेकंड वाले को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे वन थ्री वन थ्री फोर स्ट्रॉमी वाटर में नहीं होता अगर आपको सच में एल्गल ब्लूम चाहिए आप चाहते हैं पानी के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एल्गे फैल जाए तो कभी भी स्ट्रॉमी वाटर में क्योंकि स्ट्रॉमी वाटर का मतलब होगा कि वो मिक्स होता रहेगा और मिक्स होएगा तो कभी भी टाइडल ब्लूम नहीं आएगा एल्गल ब्लूम नहीं आएगा ये आता है हमेशा शांत पानी में काम वाटर जितना पानी शांत रहेगा उतना रेड टाइड इवेंट आने के चांसेस आपके बढ़ते हैं ठीक है ना तो ये दो एलिमिनेट कर दो तो आंसर आपका हो गया बी यानी कि वन और थ्री ये दो इसके आंसर हो गए ध्यान रखिएगा इस चीज का क्वेश्चन नंबर फोर ये सवाल है इंटर टाइडल जोन का यानी आज तो ओशियनोग्राफी के खूब क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ओशनोग्राफी का अगला सवाल इंटर टाइडल जोन आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है नंबर वन इंटर टाइडल जोन एक्सट्रीमली स्टेबल होता है मॉइस्चर के टर्म्स में टेम्परेचर के टर्म्स में सैलिनिटी के टर्म्स में पूरा साल जिससे एक बहुत ही अच्छा खासा स्टेबल इकोसिस्टम बनाया जा सकता है अगर आपको इंटर टाइडल जोन का मतलब नहीं पता तो मैं बता दू उसका मीनिंग क्या है ये है जी पानी पानी जो है इंटर टाइडल जोन का मतलब यहां तक पानी आता है लो टाइड पे लो टाइड पर पानी यहां तक जाता है हाई हाई टाइड 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 पे, तो भाई सीधा सीधा लो और के बीच का जो एरिया है, इसे कहते हैं इंटर टाइडल जोन जो लो टाइड और हाई टाइड के बीच का एरिया है नंबर टू द जोन इज कम्प्लीटली सम्बर्स बाय टाइड वंस और ट्वाइस एवरीडे दोनों में से क्या लगता है आपकी क्या सही हो सकते हैं जल्दी से आंसर दो ए बी सी आर डी क्वेश्चन नंबर चार का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीधा सीधा फर्स्ट वाले को तो बड़ा सा एलिमिनेट कर दीजिए उसका रीजन है इंटर टाइडल जोन हमेशा एक्सट्रीम रीजन होता है उसका रीजन है ना एवरी डे आप समझो इस बात को हर रोज पानी नीचे से ऊपर आएगा ऊपर से नीचे जाएगा ये नीचे ऊपर दिन में दो बार ऊपर दो बार नीचे तो ये कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता ना लॉजिक लगाओ खुद सोच सोच के देखो कि स्टेबल तो कैसे हो सकता हो ही नहीं सकता तो रादर ये तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है और सबसे ज्यादा अनस्टेबल सिस्टम क्रिएट करेगा फर्स्ट so तो गलत है सेकंड सही है बिल्कुल जब दिन में दो बार हाई टाइड आएगा या दो बार लो टाइड जाएगा तो डेफिनेटली पानी के अंदर पूरा पूरा एरिया डूब जाता है दिखता भी नहीं है जो इंटर टाइडल जोन है वो दिखता ही नहीं है आपको आखिरी सवाल इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फाइव इस महीने का आखिरी सवाल आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है नंबर वन किस चीज के बारे में पहले समझो जब भी कोल्ड लेब्रोडोर करंट जो आता है कोल्ड करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम जहां पे मिलते हैं आपने देखा होगा ऊपर से ऐसा कोल्ड करंट आता है लेबर करंट और नीचे से जाता है आपका गर्म गल्फ स्ट्रीम करंट जहां पे भी ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्रोडोर मिल रहे हैं। इन दोनों के मिलने की वजह से क्या क्या होता है फॉग बनती है हाई रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन कुछ होता है बिल्कुल दोनों चीजें होती है आंसर है सी जहां पे भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ओशन करंट कोल्ड और वार्म मिलते हैं वहां पे एकदम से फॉगी कंडीशंस तो बनती है, बनती है। बिल्कुल बनती है एक चीज और भी होता है मैं आपको बता दू ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ओशन करंट्स का मिलना इज ऑल्सो गुड बिकॉज यहां पे होता है न्यूट्रिय का एक्सचेंज जहां पे भी ऐसा मिलेंगे तो दो दोनों अपने न्यूट्रिय एक्सचेंज करेंगे इस न्यूट्रिय का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है प्लैंक्टन्स को प्लैंक्टन्स जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स प्लांट्स ये सब होते हैं ये इस, ये खाना होते हैं किसका खाना होते हैं दे आर द फूड फॉर फिश तो ये बात समझ लो जहां पे भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ओशन करंट मिल रहे हैं जैसे इस केस में लेबराडोर और, और गल्फ स्ट्रीम थे तो कैनेडा का एक आइलैंड है यहाँ पे इसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड आप देखिएगा न्यू फाउंडलैंड के नाम से न्यू फाउंडलैंड के नाम से ये जो कैनेडा का आइलैंड है इट इज कंसिडर्ड इसके आसपास का एरिया आप देखोगे ना दिस दिस इज टू बी द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा है ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड एब्सोल्युटली तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सर सी बोथ वन एंड टू आर एब्सोल्युटली करेक्ट लेकिन हमारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अगर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी इस बुक को रेफर जरूर कर सकते हैं आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों साथ ही साथ में आज रात 12 बजे से पहले अन अकेडमी को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आशीष मलिक मेरा रेफर कोड यूज करके तो आपको 20 परसेंट तक डिस्काउंट मिलेगा ये ऑफर आज रात खत्म हो जाएगा अगर फ्लैट पूरा पूरा बीस परसेंट चाहिए तो रेफर कोड यूज करो बारह बजे से पहले प्लस कॉम्बिनेशन और जीएस कॉम्बिनेशन के ऊपर ये अवेलेबल है दोस्तों कोई भी डाउट है कुछ भी अगर पूछना है तो बारह बजे से पहले मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के इस पर्टिकुलर गिवन आई पे ताकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकू और आप लोग कैसे सब्सक्राइब करेंगे हमारे नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं दो तारीख से तो भाई जिस भी बच्चे को हिस्ट्री ज्योग्राफी एथिक्स पढ़ना हो मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ने हो ज्वाइन कर लीजिए 2022-2023 का बैच शुरू हो रहा है सेकेंड फरवरी को मिलते हैं आप लोगों से अन अकेडमी प्लस के टाइम थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेक केयर एंड जय हिंद